आज ईशा का घर टूटते देख लोगों को हेमा मालिनी और प्रकाश कौर की बात याद आ गई। जो आज ईशा संग हो रहा वो कभी को हेमा मालिनी ने प्रकाश कौर के संग किया था। हेमा मालिनी ने प्रकाश कौर के संग किया और हेमा मालिनी के संग किसी और ने वही काम कर दिया। भरत ने किसी लड़की की वजह से ईशा से दूरियां बना ली और यही सब कभी को हेमा मालिनी ने भी किया था। ये तो सब जानते कि धर्मेंद्र प्रकाश एक दूसरे के संग बहुत खुश थे, यहाँ तक इन्होंने आज तक तलाक भी नहीं लिया। प्रकाश कौर के संग रहते रहते इन्होंने हेमा मालिनी संग शादी भी रचा ली थी और अब यही सब ईशा संग भी हो रहा है। ईशा के पति भरत ने भी ईशा को अभी तक तलाक नहीं दिया, लेकिन वो काफी वक्त से दूर हैं और किसी लड़की के संग घर बसाने की भी सोच रहे हैं। अब लोगों के कमेंट्स आने शुरू हो गए। किसी ने लिखा है हेमा मालिनी के किए की सजा बेटी ईशा को मिल रही है और अब इंसाफ यही मिलता है। भगवान ने बिल्कुल देर नहीं लगाई, हेमा मालिनी ने जिसका घर तोड़ा आज उनकी बेटी का भी घर टूटता नजर आ रहा है। हेमा मालिनी को जो दुख नहीं पहुंचा वो उनकी बेटी को मिल रहा है। ईशा का घर उजड़ने से हेमा मालिनी भी टूट गई है क्योंकि उन्हें भी अब अपनी गलती का पछतावा हुआ। उनके संग भी वही सब दोहराया जा रहा है। आज हेमा मालिनी को प्रकाश कौर संग धोखे का पछतावा हो रहा है। उन्हें आज एहसास हुआ कि उन्होंने प्रकाश कौर के संग अच्छा नहीं किया था। ना वो प्रकाश कौर का हंसता खेलता परिवार छीनती, ना ही उनकी बेटी ईशा की मासूम बेटियां बेसहारा होती। ईशा के तलाक की खबर सुनकर हर कोई इस वक्त कुछ ऐसी ही बातें कर रहा है। लोगों का कहना है कि धोखे के बदले धोखा मिला, भले ही देर से मिला लेकिन मिलता जरूर है। ईशा का दुख दर्द देखकर हेमा मालिनी आज अपने आंसू नहीं पोंछ पा रही हैं क्योंकि अब उनके आंसू पोंछने वाला उनका परिवार भी उनके साथ नहीं है। प्रकाश कौर ने उसी दिन से हेमा मालिनी से मुंह मोड़ लिया था, तो वहीं धर्मेंद्र भी बीमारी की वजह से घर से बाहर बहुत कम निकलते हैं। ऐसे में हेमा मालिनी ने बेटी का दुख बांटने के लिए उन्हें अपने घर में रख लिया था। हेमा मालिनी अपनी दोनों नातिन और बेटी को लेकर बहुत चिंता करती है। हैरानी की बात यह है कि भरत ने काफी वक्त से ईशा से दूरियां बना ली थी, लेकिन आज एक यूजर ने सबूत के साथ इस बात का दावा किया कि जल्द दोनों का तलाक होने वाला है। और काफी वक्त से ईशा को हेमा मालिनी के घर में उनके साथ पार्टियों में भी देखा जा रहा था, जबकि उनके पति हमेशा से उनके साथ रहते थे, लेकिन कुछ महीनों से भरत तक तनी ईशा के पास नहीं दिख रहे हैं। बेटी ईशा देओल के तलाक की खबर हर तरफ है, लेकिन पिता धर्मेंद्र को अपनी बेटी के उजड़ते घर की खबर ही नहीं। धर्मेंद्र पहले तो यकीन नहीं कर सके क्योंकि धर्मेंद्र की बीमारी की वजह से उनसे कई बातें छुपाई जाती थी ताकि उनकी हेल्थ पर बुरा असर ना पड़े, लेकिन जो बातें पहले छुपाई गई वो आज पता चली तो धर्मेंद्र की हालत खराब हो गई। अचानक से उनके मुंह से आवाज निकलना बंद हो गई। उनकी सीरियस हालत देखकर लोग भी डर गए क्योंकि धर्मेंद्र शुरू से ही बेटियों को लेकर बहुत सीरियस रहे। धर्मेंद्र हेमा को बोलते रहते थे कि उन्हें बेटियों की जल्द शादी करनी, उन्होंने अपनी चारों बेटियों की जल्द शादी भी कर दी थी। धर्मेंद्र को गंदे माहौल का डर था कि कहीं उनकी बेटियां भी इस माहौल में रंग न जाएं। इतना ही नहीं, वो बेटियों को छोटे कपड़े पहनने से भी मना करते थे, लेकिन फैंस को यकीन है कि धर्मेंद्र बेटी का तलाक नहीं होने देंगे। वो कैसे भी मैटर को सुलझाएंगे क्योंकि धर्मेंद्र भी कहीं ना कहीं इसी सिचुएशन से निकल चुके हैं। उन्होंने भी हेमा मालिनी से दूसरी शादी करने के बाद भी प्रकाश कौर को कभी तलाक नहीं दिया, उनके संग घर की पार्टियां एंजॉय करते देखे जाते हैं। धर्मेंद्र भले एक साथ दो पत्नियों के साथ रह चुके हो, लेकिन क्या ईशा देओल इस सिचुएशन से निकल पाएंगी?